पॉलिटिकल ट्रेंड्स की टीम आ चुकी है विधानसभा। विधानसभा का आज ही दूसरा दिन रहा बजट सत्र का, जिस दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करी और उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि उनकी ये जो मांग है कि बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना जाए, ये मांग पूरी नहीं हो रही है। विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक लगातार यह गुहार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से लगा रहे हैं कि एक सप्ताह हो गया इस राज्य के अंदर सबसे अधिक संख्या बल के आधार पर प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सभी ने सर्वसम्मति से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता चुना है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के रूप में निर्णय करने में देरी क्यों कर रहे हैं? बोकारो MLA बिरंची नारायण ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर जब तक बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं चुना जाता है, तब तक वो सदन को नहीं चलने देंगे। जमकर धरना प्रदर्शन भी किए हैं आज इसी चीज को लेकर। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के रूप में बाबूलाल मरांडी जी को अपना नेता बनाया, तो उन्हें आपत्ति क्या है? विधानसभा अध्यक्ष जी कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले में? जब पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कह दिया कि मर्जर हो गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान लिया, उसके बाद जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, यह लोकतंत्र लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। मेरा एक और स्पष्ट रूप से कहना है कि जब इस झारखंड में एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाकर इसी कांग्रेस ने, इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को लुटवाने का काम किया था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जैसे एक बेदाग चरित्र के व्यक्ति को अगर चौकीदारी देना चाहती है, झारखंड के खजाने को लुटेरों से बचाना चाहती है, तो उन्हें आपत्ति क्या है? इरफान अंसारी जी जो कि कांग्रेस के MLA हैं, उन्होंने हमें बताया कि वो लोग किसी भी हाल में, किसी भी रूप में, वो लोग बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। उनका कहना था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। आज वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके, कहीं ना कहीं ये बाबूलाल जी के चरित्र को दिखाता है कि उनका चरित्र उतना साफ नहीं है, ऐसा कहना है हमारे MLA इरफान अंसारी जी का। वहां से गिरना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, और आज आप भाजपा में जाने के लिए जान दे रहे हैं। तो कुतुब मीनार तो नहीं, बहुत बड़ा विधानसभा है, हम लोग लपक लेंगे, गिरिए किसी कीमत पर, उनको नेता प्रतिपक्ष हम लोग नहीं मानेंगे। JMM विधायक स्टीफन मरांडी जी का ये कहना है कि इस तरह से जो सेशन को इन लोगों ने बाधा डाला है, सेशन को नहीं चलने दे रहा है, इससे सेशन की बहुत सारी कार्यवाही रुक रही है, बाधा आ रहा है सेशन में, ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का बाबूलाल जी को, तो उसमें उनका कहना है कि उनके पास, उन्होंने चुप्पी साधी रखी अपनी, उनके पास इसके पीछे का कोई कारण उन्होंने स्पष्ट नहीं किया हमारे साथ। उन्होंने ये हमें बताया कि ये स्पीकर महोदय का कार्य है, वो किसी न किसी दिन ज़रूर इस चीज़ का कारण बाहर निकालेंगे, हमारे सामने स्पष्ट करेंगे कि आखिर क्यों बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं चुना जा रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को मान्यता देने का विषय बिल्कुल सदन के अंदर के स्पीकर का अधिकार है, पावर है। बिना कुछ जाने जब सदन के आसन पे बैठे हैं स्पीकर महोदय, तो निश्चित रूप से कोई कारण बहुत ही गंभीर रहा है जो आज मान्यता उनको नहीं दिया गया, नहीं तो इनका बहुत कार्रवाई आगे बढ़ने के लिए रास्ता इन लोग का तय है। सदन बाधित करने से कोई फैसला नहीं होता, फैसला क्या होगा इसको भी उनको जानने की ज़रूरत है, ओपोजिशन को, कि किस वजह से मान्यता उनको नहीं दिया गया, ये सदन में खुलासा एक ना एक रोज स्पीकर करेंगे, उनकी बात है। कैमरामैन विजय के साथ पॉलिटिकल ट्रेंड से मैं निखिल राज।